हेलो एवरीवन, डियर मित्रों में स्वागत है आपका। आज मैंने यहाँ पे सैलरी इनकम का सम लिया हुआ है। इसके कुछ टैक्स के रूल्स रहते हैं एक्सेम्प्टेड के, अब मतलब कितना अमाउंट कहाँ से कितना एक्सेम्प्टेड करना है, ये सैलरी के स्टार्टिंग में ही आपको प्रोवाइड कर दिया है टेक्स्ट बुक में। अगर इन शॉर्ट अगर आपको नहीं मिल रहा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर दीजिएगा, मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पे इसके एग्जेम्प्टेड वैल्यूज डाल दूंगी कि किस तरीके से इसको एग्जेम्प्टेड करते हैं। ओके, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे आज टर्म स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे 23rd में अक्षय लिमिटेड का सम है। अक्षय इज़ द डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑफ मुंबई बेस्ड कंपनी एंड ही फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द असेसमेंट ईयर 2019-20। तो हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, बेसिक पे निकालना है। ओके, तो बेसिक पे के लिए इन्होंने क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पे दिया 30,000 पर मंथ विच वॉज इंक्रीज टू 35,000 विद द इफेक्ट ऑफ 1st August 2018। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे कौन से साल से हम लोग का टैक्सेशन ईयर चालू होता है, कौन से मंथ से, 1st April 18 से लेके कौन से मंथ तक हम लोग का 30,000 है, 31st July। ओके, तो ये हम लोग का 30,000 हो गया पर मंथ। उसके बाद वो इंक्रीज़ हो रहा है 1st August से लेके हम लोग का कब तक, 31st March तक, कितना, 35,000। ओके, तो यहाँ पे हम लोग मंथ काउंट कर लेंगे अप्रैल से लेके जुलाई, अप्रैल में जून और जुलाई चार मंथ हो जाते हैं, तो ये चार हो गए। फिर अगस्त से लेके मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब और मार्च, यहाँ पे हम लोग के ये आठ मंथ हो गए। ओके, अब इसके टोटल 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4 आपका आ गया 1,20,000। फिर दूसरा 35,000 मल्टीप्लाई बाय 8 आपका वैल्यू आ गया 2,80,000। दोनों को प्लस करके हम लोग का बेसिक सैलरी जो है वो वैल्यू आ गई 4,00,000। ओके, तो आपका ये बेसिक पे निकला 4,00,000 का। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है DNS अलाउंस, तो DNS अलाउंस का हम लोग को 50% ऑफ बेसिक पे बोला है, तो हम लोग का बेसिक पे था 4,00,000। 4,00,000 का अगर हम लोग 50% करेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 22,00,000 का वैल्यू बाहर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोग को थर्ड अदर अलाउंस दिया हुआ है। अब अदर अलाउंस में सबसे पहला पॉइंट आप लोग का क्या दिया हुआ है, सिटी कंपेंसेटेड दिया हुआ है। उन्होंने बोला सिटी कंपेंसेटेड अलाउंस ₹1,000 पर मंथ, तो सिटी कंपेंसेटेड अलाउंस जो है पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाता है, तो उसका वैल्यू किस तरीके से करेंगे, 1,000 पर मंथ, हम लोग के साल में 12 मंथ होते तो इंटू 12 कर दिया, बाहर हो गया हम लोग का 12,000। ओके, उसके बाद सेकंड हम लोग का एजुकेशन अलाउंस बोला हुआ है। एजुकेशन अलाउंस उन्होंने दिया हुआ है 300 पर मंथ टोटल 3 चिल्ड्रन, ठीक है, तो 500 × 12, 3 चिल्ड्रन का हम लोग का कितना हो जाएगा 6,000। और इसमें हम लोग के एग्जेम्प्टेड वैल्यू कितनी रहती है, तो यहाँ पे हम लोग की कंडीशन लग जाती है टैक्सेशन की, 100 पर मंथ मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन साल का हम लोग को निकालना है, यानी हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा 2,400। ओके, तो 6,000 में से 2,400 एक्सेम्प्टेड है, तो हम लोग का यहाँ पे बाहर वैल्यू हो जाएगा 3,600। ओके, जो कि टैक्सेबल होगा। उसके बाद थर्ड आपका दिया हुआ है हॉस्टल अलाउंस। हॉस्टल अलाउंस के लिए इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,000 पर मंथ फॉर वन चाइल्ड स्टडिंग इन द हॉस्टल, तो 1,000 × 12 कर दिया हम लोग का 12,000 हो जाएगा, क्योंकि एक ही बच्चा पढ़ रहा था वहाँ पे। ओके, तो उसमें से हम लोग का एग्जेम्प्टेड का अमाउंट क्या रहता है, हम लोग का एग्जेम्प्टेड रहता है हॉस्टल के लिए 300, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन लेते हैं लेकिन यहाँ पे वन चाइल्ड ही दिया तो वन हम लोग को लेना है, मल्टीप्लाई बाय 12, 300 × 1 × 12 हम लोग का ये हो जाएगा 3,600, माइनस करके टैक्सेबल वैल्यू हम लोग की मिल जाएगी यहाँ पे 8,400। ओके, ये आ गया। उसके बाद हम लोग को एंटरटेनमेंट अलाउंस दिया हुआ है फोर्थ में। एंटरटेनमेंट अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल रहता है, तो एंटरटेनमेंट अलाउंस में हम लोग को कुछ करना नहीं है, डायरेक्टली जो है उसको मल्टीप्लाई करके रख दो। यहाँ पे हम लोग को 1,000 पर मंथ दिए, 1,000 मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया, हम लोग का आ गया 12,000। ओके, उसके बाद हम लोग को बोला हुआ है कंसेशनल लंच बॉक्स, लंच फैसिलिटी, तो हम लोग अभी लंच फैसिलिटी लेंगे। लंच फैसिलिटी के लिए उन्होंने बोला हुआ है ड्यूरिंग द ऑफिस आवर कॉस्ट पर डिश 100 फॉर 300 डेज इज बॉर्न बाय द कंपनी, तो हम लोग का सबसे पहले कॉस्ट हम लोग का 100 रुपीज़ बोला हुआ है, हम लोग का एग्जेम्प्टेड जो रहता है वो कितना रहता है गाइज, यहाँ पे 50। ओके, तो हम लोग का बचा कितना 50 रुपीज़।
अब उसके बाद उन्होंने बोला टोकन अमाउंट 20 पर जो है वो डिडक्ट करना है, तो वो 20 भी हम लोगों ने डिडक्ट कर दिया, यानी बचा कितना 30। ओके, तो हम लोग का कितने दिन का भी निकालना है, 300 डेज का, तो 30 इंटू 300 हम लोग का कितना हो जाएगा, 9000, जो कि हम लोग को टैक्सेबल होगा। ओके, उसके बाद आपका दिया हुआ है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई कंट्रीब्यूट टू 14% ऑफ बेसिक पे टूवर्ड्स द रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड RPF के लिए। तो RPF का हम लोग का पॉइंट रहता है एम्प्लॉयर मतलब कंपनी जो है जितना पे करते हैं वो एग्जेम्प्टेड करते हैं, तो यहाँ पे कंपनी ने कितना पे किया है, 14% पे किया है, और हम लोग का एग्जेम्प्टेड कितना रहता है, 12%। तो हम लोग ये 14 में से 12 माइनस कर दिए, तो कितना बचा, 2%। अब 2% हम लोग को किसका करना है, बेसिक पे का। बेसिक पे की वैल्यू हम लोग की कितनी थी, 4 लाख, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे 4 लाख का 2%, यानी ये आ गया आपका RPF 8000। इजीली इसका निकल गया। अब उसके बाद हम लोग का आता है इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF। अब यहाँ पे इंटरेस्ट क्रेडिटेड कितना बोला हुआ है, 10.5%, और हम लोग का एग्जेम्प्टेड कितना रहता है, 10.5% इन्होंने दिया हुआ है, हम लोग का एग्जेम्प्टेड वैल्यू रहता है 9.5%। ठीक है, तो हम लोग का 10.5 में से हम लोगों ने 9.5 को माइनस कर दिया, यानी बचा कितना आपका, 1.0%। अब 10.5% में उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 21,000, तो 1% पे कितना, ओके, 21,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 10.5, तो आपका यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2,000। ओके, अब गाइज इसके बाद इसमें दिया हुआ है द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम अ मोटर कार ऑफ 1600 cc फॉर हिज पर्सनल पर्पस। तो अब हम लोग का 8.7 पॉइंट जो है वो मोटर कार का है। आपने कंडीशन पढ़ी ही होगी, अगर मोटर कार एम्प्लॉयर प्रोवाइड कर रहा है और एम्प्लॉय प्रोवाइड कर रहा है तो दो अलग अलग कंडीशंस आती है, और इसके साथ ड्राइवर्स प्रोवाइड करते तो हम लोग का कैसा रहता है, 1800 प्लस 900 ऑफ ड्राइवर, तो हम लोग का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1800 प्लस 900 2700 मल्टीप्लाई बाय 12, तो हम लोग का 2700 मल्टीप्लाई बाय 12 आ गया हम लोग का 32400, तो हम लोग का मोटर कार का पर क्यू साइड हो गया 32400। उसके बाद उन्होंने बोला हुआ है 7th 8th पॉइंट में द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम अ फर्निश्ड फ्लैट फॉर विच द एम्प्लॉयर पेज द रेंट ऑफ 6000 पर मंथ। अब अगर ये फर्निश्ड फ्लैट रहता है तो हम लोग का HRA किस तरीके से निकलता है, BABC का 15%। BABC एक हम लोग का यहाँ पे फंडा पड़ेगा, BABC का फुल फॉर्म है हम लोग का बेसिक सैलरी अलावेंस बोनस और कमीशन, इन सबको हम लोग को प्लस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम लोग का यहाँ पे बेसिक सैलरी कितना था, 4 लाख। ओके, अलावेंस में हम लोग का सिटी कंपेंशिएटेड 12,000, 3600, 8,400 और 12,000, ये सारे अलावेंस ले लिए, डियरनेस अलावेंस को छोड़ के बाकी सारे अलावेंस आपको लेने हैं, तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 4,36,000 BABC। ओके, उसका कितना परसेंट हम लोग को बोला हुआ है, 15%, तो ये 15% आपका कितना हो गया, 65,400। मैं आपकी इजीनेस के लिए यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख रही हूँ, किस किस चीज़ों को प्लस किया, बेसिक पे 4 लाख, सिटी कंपेंशिएटेड 12,000, एजुकेशन अलावेंस 3,600, तो यहाँ पे कर दिया 4 लाख प्लस 12,000 प्लस 3,600, 8,400 एंड 12,000। ओके, तो 3,600 प्लस 8,400 प्लस 12,000, तो ये मिला के आपका आया 4,36,000। अब उसके बाद इन लोग फर्निश्ड हाउस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो फर्नीचर का हम लोग को 10% निकालना है। फर्नीचर की वैल्यू हम लोग की कितनी दी हुई है, 4,20,000। 4,20,000 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो हम लोग का कितना आ जाएगा, 42,000। टोटल मिला के हम लोग का HRA कितना मिल रहा है, 65,400 प्लस 42,000, आपका आया 107,400, ये आपका टैक्सेबल वैल्यू हो गया। उसके बाद उन्होंने प्रोफेशनल टैक्स पे करने बोला है। प्रोफेशनल टैक्स हम लोग का 40C के हिसाब से पूरा का पूरा एग्जेम्प्टेड होता है, तो हम लोग को वहाँ पे माइनस में रखना है। ओके, यहाँ पे मैं प्रोफेशनल टैक्स कर रही हूँ, ये नीचे क्यों, तो ये हम लोग का टैक्सेबल सैलरी में से मिलेगा। ओके, पहले तो बाकी सबका टोटल कर दो, हम लोग का कितना अमाउंट है, 4 लाख प्लस 2 लाख 12,000
3600, 8400, 12000, 9000, 8000, 2000, फिर आपका आया 32400 और 107400, ओके। तो आपका वैल्यू आ गया 794800, तो हम लोग को यहाँ पे डाल देना है 794800, ये हम लोग का क्या हो गया, ग्रॉस सैलरी, ठीक है। अब उसमें से हम लोग को प्रोफेशनल टैक्स माइनस करना है। प्रोफेशनल टैक्स हम लोग का कितना था, 2400 का प्रोफेशनल टैक्स था, तो वो हम लोग माइनस कर देंगे 2400, यानी हम लोग का वैल्यू कितना हो जाएगा 792400, ये हम लोग को क्या मिला, टैक्सेबल सैलरी। तो गाइस इस तरीके से हम लोग को सैलरी इनकम का सम करना है। होपफुली अगर आपको समझ आया होगा ये किस तरीके से किया, आपको बस एग्जेम्प्टेड अमाउंट कितनी है वो याद रखनी पड़ेगी, सारी कंडीशंस याद रखनी पड़ेगी, तो सैलरी इनकम बहुत इजीली हो जाएगा। थैंक यू सो मच। इसी तरीके से डियर मित्र को सब्सक्राइब करती रहिएगा और लाइक करती रहिएगा। थैंक यू सो मच।